हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा जी क्रिएटिव्स। तो जैसे कि कल मैंने आपको हेयर सीरम बनाना सिखाया था, तो उसके बाद जो वो हमारे पास में जो वो बच गए थे सीड्स, जो मेथी और कलौंजी जो हमारे पास में थी, उसका हेयर पैक कैसे बनाना है, तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रही हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक्स। एंड तो ये जो पैक है ये भी आपके बालों को बहुत ही हेल्दी करता है, बहुत स्मूथ कर देता है, और आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा ये बॉइल्ड मेथी दाना एंड कलौंजी, ठीक है। तो इस प्रोसेस तक लाने के लिए, इसको कैसे इस प्रोसेस में लाना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो उसके बाद इसका जो पैक बनाना है हमने, उसमें मैंने सीरम बताया था और जो ये बच गया था मटेरियल उससे मैंने आपको पैक बनाने के लिए बताया था। तो पैक को बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले एक मिक्सी जार में डालेंगे। देखिए, ये जो मटेरियल है ये आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और मैंने क्योंकि ये इतना लिया है और आपको जितनी जरूरत हो आप उतना लीजिए। एंड उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग, अगर आपने आपका ये जो मटेरियल है अगर ये कम है तो आप इसमें कम दही ऐड कीजिएगा, और क्योंकि मेरा ये ज़्यादा है तो मैं इसमें 4 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ, 4 to 5, 3, 4 एंड 5। इसमें मैं 5 चम्मच जो है दही ऐड कर रही हूँ, और हम इसे चलाने के लिए, इसका थिक पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा, अगर वाटर भी इसमें मतलब यूज करना पड़े तो थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपका जो पेस्ट है इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, और बिल्कुल इसका एक सॉफ्ट पेस्ट बना लेना है। जो ऐड करेंगे वो है हनी, हम इसमें 2 चम्मच हनी, ये भी डिपेंड करता है रेशो, जो जितना आपने पेस्ट बनाया उस हिसाब से। अगर आपने कम बनाया है तो आप 1 चम्मच डालिएगा, और अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो आप इसमें 2 चम्मच हनी ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ये एलोवेरा जेल अगर आपके पास में फ्रेश है तो पैक में आप फ्रेश एलोवेरा भी डाल सकते हैं, तो अभी मेरे पास में रेडी नहीं है एलोवेरा जेल, तो मैं इसमें ये ही डाल रही हूँ मार्केट वाला। तो 1 चम्मच आप ये एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर दीजिए, या 2 चम्मच जितना भी हो। मैं इसमें 1 चम्मच ये जैतून का जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल, वो भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको हेड वॉश शैम्पू से करना है तो आप इसमें ये ऐड कर सकते हो, और अगर आपने इसको मतलब सिर्फ सादे पानी से रिंस करना है तो फिर आप इसमें ये स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसका मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से, तो इसे मिक्स कीजिएगा। तो इस तरह से अब ये हमारा जो पैक है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बहुत ही इसकी जो है मतलब सॉफ्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है, ऐसी होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा रनी होनी चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा थिक होनी चाहिए। इसके बाद आप इसको अपने हेयर्स पे रूट से लेकर लेंथ तक अप्लाई करें, तो एंड 1 घंटे तक आप इसको अपने बालों में लगे रहने दीजिए। एंड आफ्टर देन अगर आपने इसमें ऑयल मिक्स किया है तो आप एक मतलब माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिएगा, और अगर आपने इसमें हेयर ऑयल ऐड नहीं किया है तो आप इसको सादे पानी से रिंस करिएगा। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हो, और ये जो आपके मतलब इसमें आपको ना कोई कंडीशनर की ज़रूरत है ना कुछ है, आप देखोगे कि बालों में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, और जो आपके हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, और जो मतलब बेबी हेयर्स हैं वो भी अच्छे से बढ़ जाएंगे और नए बाल भी
आएंगे, काफी आपके जो हेयर्स हैं वो काफी ठीक हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी होपफुल। थैंक यू।